हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। तो तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, वो निकली है ECCS जालंधर के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वैकेंसियाँ मैं ECCS की लेकर आता हूँ दोस्तों, वो सब भर उसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक सर्विसमैन हो, ये दोनों के लिए वैकेंसियाँ रहती है दोस्तों। तो ये कमेंट में ना करें कि ये सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट जॉब केवल एक सर्विसमैन के लिए है। जी नहीं, ये दोनों के लिए है, फ्रेशर के लिए भी और गवर्नमेंट जॉब जो एम्प्लॉय है उनके लिए भी। तो चलिए दोस्तों वैकेंसी स्टार्ट करते हैं। अपनी वैकेंसी कहाँ पे आई है दोस्तों? जालंधर पंजाब के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी का नाम किस रखा गया है दोस्तों? जालंधर के अंतर्गत एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूट हेल्थ स्कीम इसका नाम रखा गया है। अंतिम डेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 17 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आपकी नियुक्ति दोस्तों पंजाब के अंतर्गत ही की जाने वाली है। तो सभी जातियों की वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत चपरासी, चौकीदार, ड्राइवर, क्लर्क और भी अन्य वैकेंसियाँ इसके अंतर्गत फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अंतर्गत अब हम वैकेंसी के आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी साहिबान ने दोस्तों अब तक ECCS हिसार का फॉर्म नहीं भराया तो अब जाके जरूर फिलअप कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत सबसे बढ़िया पद आए हैं। 104 टोटल पोस्ट इसमें आई हैं, चपरासी, चौकीदार, सफाई वाला, ड्राइवर, महिला अटेंडेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की 104 टोटल पोस्ट पे वैकेंसी हैं। इसके अलावा बता दूं इसमें ग्रुप डी के भी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आई है। तो जाके जरूर इस फॉर्म के चेक कीजिए, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को भर के भी बताया, साथ में इसका लिफाफा भी भर के बताया है। इसके अलावा मैं इस वैकेंसी का भी दोस्तों आपको लिफाफा भी भर के बताऊंगा और आपको दोस्तों फॉर्म भी भर के बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी ना कीजिए, पूरी वैकेंसी की डिटेल लेके जाइएगा दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी इसकी क्या क्या रहने वाली है। तो दोस्तों हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें लैब सहायक और नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, इन वैकेंसी के लिए दोस्तों संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा होना जरूरी है। जैसे फार्मासिस्ट के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो वी फार्मेसी या बारहवीं विज्ञान PCBC पास होना वो जरूरी है। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों, इसके लिए स्नातक पास होना चाहिए और कलर की क्या आपको ज्ञान होना जरूरी है। बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास RTE पास होना चाहिए तथा क्लास फर्स्ट का MT ड्राइवर का आपको ज्ञान होना जरूरी है। यानी आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है दोस्तों, चाहे लाइट मोटर व्हीकल हो या हेवी मोटर व्हीकल हो। बात करते हैं महिला अटेंडेंट की, तो दोस्तों ये पढ़ना लिखना जानती हो बस, और इतना ही साक्षर होना ही इनके लिए जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों 6 पद है हाउस कीपर और सफाई वाले के लिए, तो दोस्तों इनके लिए 16,800 रुपये आपको पेमेंट दिया जाएगा। आपकी एज सभी पोस्ट के लिए 18 से 53 साल रखी गई है। इसमें भी दोस्तों कैंडिडेट सिर्फ साक्षर होना जरूरी है, यानी पढ़ना लिखना कैंडिडेट जानता हो। नेक्स्ट है दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल दोस्तों 44 इसके अंतर्गत वैकेंसियाँ रखी गई है। चौकीदार और विजिलेंस ऑपरेटर की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसके लिए भी आपको बढ़िया वेतन दिया जाएगा और आपको इसमें सिर्फ RTE पास मांगी गई है। जो कैंडिडेट RTE पास है या उससे भी हायर एजुकेशन है, वो इसमें आल्सो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे की वैकेंसी के बारे में बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हम भी टाइम निकाल के ड्यूटी से आपका काम जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो वैकेंसी है फर्स्ट नंबर पर वो है चपरासी और मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें भी दोस्तों 16,800 रुपये आपको मासिक मिलेगा और RTE पास आपसे रिक्रूटमेंट मांगी गई है। बात करेंगे दोस्तों इस वैकेंसी की आगे डॉक्यूमेंट्स की, आप क्या क्या ले जाएंगे। इसके अलावा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, कितने टाइम के लिए आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, उससे पहले हम भरते हैं दोस्तों इसका फॉर्म आपको भर के बता देते हैं कि आपको फॉर्म दोस्तों भरना कैसे है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपको एक पेज इस प्रकार का मिलने वाला है, उस पर लिखा हुआ होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECCS पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है सिंपली। उसके बाद में दोस्तों नेम ऑफ पॉलीक्लिनिक अप्लाइड फॉर, कौन सी पॉलीक्लिनिक में आप अप्लाइड करना चाहते हैं। दोस्तों जालंधर के लिए वैकेंसी है तो यहाँ पे आप जालंधर का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद में क्या करना, आपका नाम लिख देना है दोस्तों। नाम लिखते समय कैपिटल लेटर में नाम लिखना है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कॉलम एक सर्विसमैन के लिए है, कोई भरना चाहता है उनके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ दोस्तों क्रिश्चियन एरा के अंतर्गत फिलअप करनी है। उसके अलावा दोस्तों आपको मेल या फीमेल कैटेगरी में आपकी जानकारी भर देनी है। पोस्टल एड्रेस भरेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों राइट साइड के अंतर्गत आइएगा, यहाँ पे आपकी फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने का काम ही दोस्तों कंप्लीट नहीं, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, उसके बाद में आपका नाम और दोस्तों सिग्नेचर इसके ऊपर करना है ना, और उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देनी है दोस्तों।
आगे के फॉर्म पे हम चलते हैं साहिबान। तो दोस्तों नंबर फोर्थ पर कॉलम है आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो रहने वाला है, जो भी आपका विलेज पिन कोड सहित आपके सिटी और आपके मोबाइल नंबर आपको डाल देने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ईमेल आईडी डाल रहे हो उसको एक बार चेक करके डालिएगा, क्योंकि कई बार एडमिट कार्ड आपका इसी पे भेज दिया जाता है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी गई है नंबर फिफ्थ कॉलम में, जिनके लिए दोस्तों एजुकेशनल लागू नहीं है चपरासी और जो सफाई वाला, उनके लिए आप खाली छोड़ देना। अदरवाइज जो कैंडिडेट दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे पूरी डिटेल अपनी दे देनी है, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, कौन से साल में आपने पढ़ाई की, आपने कौन सी जगह से पढ़ाई की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे और आपके परसेंटेज कितने आए थे, वो आपको भर देना है। इसके अलावा दोस्तों आप ऐसे भरोगे तब तक आपको लेटर आ जाएगा, अदरवाइज दोस्तों एक छोटी सी गलती से आपको फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया जाता है। छठवें नंबर कॉलम में आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपको कोई है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप खाली छोड़ देना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको चलते हैं रजिस्ट्रेशन, सातवां नंबर और आठवां कॉलम भी दोस्तों उसी से रिलेटेड है, कोई आपने एक्सपीरियंस है और उसको आपने कोई फॉर्म में मिला है तो उसके आपको जानकारी भरनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये जरूर आप पढ़िएगा, उसमें आपकी जो भी जानकारी लिखी जा रही है वो आपने भरी है, यह जानकारी इसमें दाखिल करनी है। उसके बाद में आपको प्लेस लिख देना है और आप जिस डेट को फॉर्म भर रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पे लिख देना है और सिग्नेचर आपके कर देना है। ये काम कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं दोस्तों इसके लिफाफे के ऊपर, आपको लिफाफा कैसे भरना है। लिफाफे के लिए दोस्तों बता दूं कि आपको दो लिफाफे तैयार करने होते हैं, एक छोटा लिफाफा होना चाहिए, एक छोटा बड़ा लिफाफा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद में दोस्तों आप कैटेगरी अपनी लिख देनी है, जैसे जनरल, यूआर, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में आपको दोस्तों टू लगा के जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं, अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECCS सेल जालंधर कैंट 144005 पंजाब, ये आपको एड्रेस लिख देना है दोस्तों। इसके बाद में आपको फॉर्म लगा के खुद का एड्रेस सेल्फ एड्रेस लिखना होता है। सेल्फ एड्रेस लिखने के बाद बात करूँ बड़े वाले जो छोटे वाले लिफाफा है उसकी, तो छोटे वाले पे भी दोस्तों आपका सेल्फ एड्रेस लिखना होता है। छोटे वाले पे ₹2500 का आपको डाक टिकट भी लगाना होगा, क्योंकि दोस्तों डाक टिकट कई बार कैंडिडेट दूसरे लगा देते हैं, तो ₹2500 का लगाना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बड़े वाले ऊपर डाक टिकट की पूछ रहा है तो बड़े वाले के ऊपर दोस्तों आपको इसका वेट करना है, डॉक्यूमेंट आपके पूरे डालने हैं इसमें, उसके बाद जितना वेट होता है उसके अनुसार इसमें टिकट लग जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें डालोगे, अभी जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ आपको, उसमें आपको क्रम वाइज डॉक्यूमेंट डालने हैं। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट डाल रहे हो उसके ऊपर खुद का भी सेल्फ सिग्नेचर करना होता है, और जो खाली लिफाफा भेज रहे हो दोस्तों उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं डालने, जो डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हो दोस्तों उसको बता दो कि मूल डॉक्यूमेंट न डाले, यानी उनकी फोटोकॉपीज भी डालना है दोस्तों। अभी जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से बता लेता हूँ, और जो आपको दोस्तों कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आवेदकों को ईमेल या मोबाइल मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाने वाला है। अभी चलते हैं दोस्तों इसके जो डॉक्यूमेंट रहने वाले वो, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में आपकी आठवीं की मार्कशीट लगानी है, अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखा है तो उसके बाद की मार्कशीट आपको भर देने हैं। उसके बाद में दोस्तों आप कोई एक्सपीरियंस सर्विसमैन हो तो वो यहाँ पे आपको जानकारी फिलअप कर देनी है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो आपको भर देना है। उसके बाद में दोस्तों कोई मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र या कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो डाल देना है। इसके बाद में आपका लाइसेंस है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो फिलहाल दोस्तों इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपकी भर्ती की जाएगी और क्या आपसे मांगा गया है। फिलहाल तो दोस्तों ये वैकेंसी संविदा के आधार पर रखी गई है, जो भी कोई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको तुरंत आगाह कर देंगे। फिलहाल इतना ही, जय।